नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि अखिलेश यादव के घर के बाहर निकले थे और लखीमपुर जाने के लिए, बता दें आपको कि सपा कार्यकर्ता मौजूद अखिलेश यादव के आवास पर रहे और भारी संख्या में पुलिस अखिलेश यादव का काफिला रोक रही है। अखिलेश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है पुलिस। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अखिलेश को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस के जरिए अखिलेश यादव को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के घर के बाहर भी सपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे, वहीं पुलिस अखिलेश यादव के काफिले को रोक चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी को आग भी लगा दी गई है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। वहीं पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने फूंक दिया गया है, ऐसी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव घर के बाहर निकले हुए थे और लखीमपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस द्वारा अखिलेश यादव को रोक दिया गया है। आपको बताया कि अखिलेश यादव ने इसको लेकर भी कहा था कि किसानों पर जुर्म हो रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी की है। आपको बता दें कि लखनऊ में अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए थे और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया है। चलिए आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है, अंग्रेजी से ज्यादा जुल्म कर रही है सरकार। उनका कहना है कि अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म जो है वो अब सरकार कर रही है। उनका ये भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके साथ ही 2 करोड़ मुआवजा मिले पीड़ित परिवार को और सरकारी नौकरी मिले, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आपको बता दें कि 2 करोड़ मुआवजा मिलने की मांग की है अखिलेश यादव ने और सरकारी नौकरी देने का भी कहा है सरकार से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म कर रही है सरकार, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देने चाहिए, ऐसा भी कहना है अखिलेश यादव का। मांग कर दी उन्होंने कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी जलाई है, वहीं अब जिसके बाद अखिलेश यादव का बयान वो भी सामने आ गया है। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने ही जला दिया गया है। हालांकि सपा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस वालों ने ही उस गाड़ी को आग लगाई है, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव का ये बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ कह दिया था कि किसानों पर जुल्म हो रहा है और उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भी मांग की है। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद देने को भी मांग की है और सीबीआई जांच की भी मांग उठाई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना बीजेपी की सरकार किसानों पर कर रही है। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि रूस में जानलेवा कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। यहां कल कोरोना से 890 लोगों की मौत बताई जा रही है और एक दिन में मौत के ये सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को संक्रमण से मौत के 887 मामले सामने आए थे और कोरोना वायरस के खिलाफ गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने बताया कि संक्रमण के 25,759 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक रूस में अभी तक कोरोना वायरस के 14.6 करोड़ मामले सामने आए हैं और संक्रमण से करीब 2,10,000 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले और उससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने के बीच रूस के अधिकारियों का कहना है कि अभी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस रोधी टीका
सपूतनिक वी लगाया जा रहा है। देश के अभी तक केवल 32.5% लोगों को ही पहली खुराक दी गई है और 28% लोगों को दोनों खुराक दे दी गई है। वहीं ब्रिटेन में 24 घंटे में 35,577 लोग कोविड-19 से संक्रमित भी पाए गए हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,841,625 हो गई है। ब्रिटेन में अब कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की कुल संख्या जो है वो बढ़कर 1,36,789 हो गई है और इन आंकड़ों में केवल उन लोगों की मौत शामिल है जिनकी मौत उनके पहले पॉजिटिव परीक्षण के 28 दिनों के भीतर हुई है।